डिस्कस करेंगे कियोस ग्रुप से जो अपडेट्स आया उसके बारे में, ट्विन मोशन के अपडेट्स के बारे में, ओमनीवर्स के अपडेट्स के बारे में। सो बहुत कुछ अपडेट्स आज हम डिस्कस करेंगे। तो नीचे एक लाइक का बटन है, उसे लाइक कर दो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरे ट्यूटोरियल्स, टिप्स एंड ट्रिक्स और अपडेट्स आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले अपडेट के बारे में बात करता हूँ। बेसिकली अपडेट इन द सेंस, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी ट्यूटोरियल बनाई है तो बेसिकली अपडेट नहीं कह सकता, बट यस अपडेट इस चीज़ के बारे में कह रहा हूँ क्योंकि केओस ग्रुप का जो अपडेट आया है, राइट, तो केओस ग्रुप ने पूरी तरह से रीब्रांड किया है खुद को। अगर आपने ठीक से देखा होगा, खाली कॉस्मोस नहीं, खाली पूरे चीज़ों को उन्होंने पूरी तरह से रीब्रांड किया है। अभी ये प्रोडक्ट्स में बेसिकली रीब्रांड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सो बेसिकली पहले लोग वीरे को खाली एक रेंडर इंजन या तो एक लाइटिंग के हिसाब से देखते थे, मतलब बेसिकली आर्किटेक्चर, खाली आर्किटेक्चरल इंडस्ट्री में वीरे का ऑफकोर्स आज भी नाम है, कल भी नाम था और आज भी नाम है। सो बेसिकली अभी हुआ क्या है कि बड़े बड़े स्टूडियोज़ जहाँ फिल्मों के काम होते हैं, एडवर्टाइजिंग के काम होते हैं, अदर देन आर्किटेक्चर काम होता है, गेमिंग काम होता है, वहाँ भी अभी वीरे बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने ग्रिप पकड़ा है, बहुत ही अच्छी तरह से उनका प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं लाइटिंग के लिए। लगभग सारे सॉफ्टवेयर में अभी उन्होंने सपोर्ट देना चालू किया है। मतलब बेसिकली अगर आप वीरे सीखते हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आप वीरे आर्टिस्ट हो और आपने लेट्स से वीरे 3D Max का सीखा है, तो आपको जब भी आप तुम स्केचअप में जाओगे, यू विल नॉट गेट अ शॉक कि ये मैं कौन सा नया चीज़ देख रहा हूँ। वो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली ये कौन से, ये ऑप्शंस करता क्या है। सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर थोड़ा सा अपडेट होता है, बट इतना भी अपडेट नहीं होता कि पूरी तरह से चेंज हो जाए। सो केओस ग्रुप ने जो अपडेट्स दिए हैं, जो नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, उसमें से कौन सा अच्छा ऐसा ऑप्शन या प्रोडक्ट जो आपको पर्सनली अच्छा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना। वीरे में इन्वेस्ट करने का एक बहुत ही अच्छा टाइम है, क्योंकि आप अगर मॉडल्स भी खरीदने जाते हो कहाँ पे, एवर मोशन के पास या हम 3D के पास, सो आपका अच्छा खासा पैसा वहाँ खर्च होता है। सो लेट्स से आप यहाँ पे सिंगल लाइसेंस लेते हो, अगर आपने 3D Max के लिए अगर आपने लाइसेंस लिया, जिसमें आपको कॉस्मोस तो ऑफकोर्स फ्री मिलेगा, वेंटेज फ्री मिलेगा, तो उसका सारा खर्चा आपको जाता है 34,000 rupees समथिंग। सो अगर आपको एनुअली रिन्यूएशन नहीं चाहिए इस प्लान में, सो यू कैन गो फॉर परपेचुअल लाइसेंस। तो वीरे का परपेचुअल लाइसेंस भी है। उसमें परपेचुअल लाइसेंस होता क्या है कि आप एक ही बार पैसा पे करते हो और पूरा लाइफ टाइम प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। उसके सारे जो फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं, जो माइनर अपडेट्स जो भी आते हैं, वो आपको सभी मिलते रहेंगे। आपको पूरी तरह से 1 year के लिए, लाइफ टाइम के लिए आपको 86,000 rupees कुछ और पड़ेगा इन इंडियन रुपीज़, डॉलर में आप चेक कर सकते हो, उसके वेबसाइट में है। अगर आप स्टूडेंट हो तो येस, आपका अच्छा पोर्टफोलियो रेडी होना चाहिए, आपका अच्छा रेंडर होना चाहिए। तो उसके लिए आपको अगर लाइसेंस अगर आपने यूज़ किया, एक स्टडी का मटेरियल समझ के आपने वो यूज़ किया, तो ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। उसके लिए आपको खाली 7,000 पे करने हैं। 7,000 पे करने के बाद कभी आपका वीरे करप्ट नहीं होगा, कभी उसमें प्रॉब्लम नहीं देगा, क्योंकि वो लाइसेंस्ड वर्जन है। तो मैं उसको रेकमेंड करता हूँ कि आप अगर सीख रहे हो तो वीरे का एजुकेशन लाइसेंस ज़रूर लेना। इसमें बहुत अच्छी डील है, जिसमें आपको अच्छे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने मिल रहे हैं, उसकी लाइब्रेरी यूज़ करने मिल रहे हैं। उससे होगा क्या, तुम्हारा एंड प्रोडक्ट, एंड पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा बनेगा। सो अगर आपको वीरे का स्टूडेंट वर्जन हो या कमर्शियल वर्जन हो, कोई भी लाइसेंस लेना है, मैं उसे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, क्लिक करके आप चेक कर लो कि उसमें कितने डिस्काउंट्स है, क्या क्या अवेलेबिलिटी है। सो दूसरा अपडेट एकदम बहुत ही अलग अपडेट आया है। NVIDIA ने अभी अपना खुद का RTX प्लेयर लॉन्च किया है। बेसिकली RTX प्लेयर इन द सेंस, मैं प्लेयर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज के तारीख में बहुत सारे RTX प्लेयर्स हैं, ठीक है। RTX प्लेयर्स इन द सेंस, फर्स्ट प्लेयर मैं बोल सकता हूँ, चलो लेट्स स्टार्ट विथ वेरी बेसिक्स, चलो लेट्स स्टार्ट विथ Lumion, ठीक है। Lumion ने शुरुआत की, ट्विन मोशन आ गया, फिर उसके बाद चाउस वेंटेज है, एनस्केप है, डी5 रेंडर है, और अभी एकदम स्ट्रॉन्ग कंटेंडर वहाँ से और एक निकल के आ रहा है, जिसका किसी का ध्यान नहीं जा रहा है उसके ऊपर, तो आप शायद ध्यान दे दो। तो वो अपडेट आ रहा है NVIDIA से। NVIDIA खुद जो हार्डवेयर बनाती है, ग्राफिक कार्ड खुद बनाता है NVIDIA, और उसने सोचा कि यार मेरे हार्डवेयर पे तुम इतने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर चला रहे हो, तो मुझे तो ये आराम से हो सकता है, ये तो मेरा एकदम बायात का खेल है। तो उसने वो चाल, सो NVIDIA ने अभी लॉन्च किया है ओमनीवर्स। तो ओमनीवर्स ऐसी चीज़ है कि आप कहीं से भी आओ, आप माया से आओ, आप 3D Max से आओ, आप स्केचअप से आओ, कहीं से भी आओ, यहाँ तुम उसको रेंडर करके दे सकते हो। और उसके साथ में बहुत सारे कलेक्शंस हैं, इमेजेस हैं, SDRIs हैं,
सो उसका मुझे कल ही अपडेट आया था कि उन्होंने एक स्टेबल वर्जन लॉन्च किया है, तो आप चेक कर सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एक स्पेसिफिकली मुझे यहाँ अपडेट देना ऐसा है कि अभी जो ब्लेंडर सॉफ्टवेयर था, ये ब्लेंडर सॉफ्टवेयर को आर्किटेक्चुरल इंडस्ट्री में इतना सीरियसली नहीं लेते थे। अभी की बात कर रहा हूँ, आर्किटेक्चुरल इंडस्ट्री में इतना सीरियसली नहीं लेते थे। सो ब्लेंडर को अभी बहुत अच्छी तरह से फंडिंग मिली है, और आपको भी पता है ब्लेंडर ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ताकि इसके जो ये जो ओपन सोर्स है वो आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो और उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, उसको कोई लाइसेंस सॉफ्टवेयर नहीं है। सो अभी उसको सीरियसली लेने का रीज़न ये है कि ब्लेंडर को अभी वीरे का सपोर्ट है, और वही लाइटिंग, वही टेक्सचरिंग, वही रेंडरिंग हम ब्लेंडर से भी निकल सकते हैं। सो अगर आप ब्लेंडर सीख रहे हो या ब्लेंडर सीखना प्लान कर रहे हो, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट योर जर्नी विद द ब्लेंडर। बेस्ट ऑफ लक। सो सब्जेक्ट टू मुझे यहाँ ये कहना है, अगर ऑटोडेस्क वाले ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टूडेंट वर्जन है, जो स्टूडेंट वर्जन स्टूडेंट को यूज़ करना है, वो थोड़ा सा ईजी कर दो, मतलब एक्सेसिबल कर दो। जो लर्नर है, न्यू कमर है, वो आसानी से उसको डाउनलोड कर सकता है। थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन दे दो, वाटरमार्क डाल दो, वो चलेगा। बट पूरी तरह से उन्होंने जो रेस्ट्रिक्शन डाल के रखा है, वो शायद मुझे थोड़ा सा पसंद नहीं आया है। ऑटोडेस्क को क्या करना चाहिए, ऑटोडेस्क को कैसे करना चाहिए, आपकी तरफ से ऑटोडेस्क 3D Max का जो डाउनलोड सिस्टम है, जो ईजीली होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो अभी दूसरा अपडेट निकल के आ रहा है NVIDIA की तरफ से। आपको भी पता है कि NVIDIA दिसंबर से लेकर अभी तक पूरी तरह से शॉर्टेज है ग्राफिक कार्ड का, मतलब वो 2060 लो, 2070 लो, 30 लो, या क्वाड्रो लो, कोई भी लो, जहाँ 30,000 की ग्राफिक कार्ड की कीमत है, या 26-28,000 की जो ग्राफिक कार्ड की कीमत है, वो आज तुमको 40,000 मिल रहा है, 50,000 मिल रहा है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। जो चाहिए वो सामने डीलर्स लोग चार्ज कर रहे हैं, होलसेलर वाले चार्ज कर रहे हैं, उसका कोई अभी मतलब ही नहीं रहा। सो ये बेसिकली हो क्यों रहा है, अपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना होगा, वो जो क्रिप्टो करेंसी इथेरियम जो बोलते हैं, वो जो बिटकॉइन होता है, वो जो माइनर्स होते हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं, इस ग्राफिक कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली NVIDIA या कोई भी प्रोसेसर हो या कंप्यूटिंग पावर हो, अभी NVIDIA इज़ अ कंप्यूटिंग पावर जो अपने लिए रेंडरिंग करता है, बट बेसिकली दूसरों के लिए वो दूसरा कंप्यूटिंग पावर है। पर ये जो कंप्यूटिंग पावर है, वो उसको माइनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग, और क्या बताऊँ, परचेस करने जब वो माइनर जाते हैं, वो 10-10 20-20 कार्ड एट ए टाइम उठाते हैं मार्केट से और परचेस करते हैं। शायद मैं कम बोल रहा हूँ, शायद वो 50 और 100 उठाते होंगे, इसके लिए शॉर्टेज है मार्केट में, मिल नहीं रही है, ब्लैक में चल रहा है। बट अभी उन्होंने लॉन्च किया है, जो अभी नई सीरीज जो लॉन्च किया है, उसमें उन्होंने कहा है CMP। सो व्हाट इज़ बेसिकली CMP? CMP इज़ मेंट फॉर क्रिप्टो करेंसी माइनिंग। सो वो क्रिप्टो करेंसी का माइनिंग करना है, तो आपको CMP का ग्राफिक कार्ड लेना पड़ेगा। अगर आपने GeForce का कार्ड लिया, तो उसमें 50% उन्होंने उसकी एनर्जी कट डाउन कर दी है। इन शॉर्ट, कार है वो 200 के स्पीड से भाग रही है, और मुझे तुमको उसमें लॉक लगा के देना है कि तुम अगर 60 के ऊपर जा ही नहीं सकते। इन शॉर्ट, उन्होंने वैसा वो ग्राफिक कार्ड में लॉक लगाया है कि वो GeForce का कार्ड अगर तुम अभी माइनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो अगला अपडेट है ट्विन मोशन से। ट्विन मोशन के साथ में बहुत कुछ अच्छे अच्छे अपडेट्स आए हैं। ट्विन मोशन के ऐसे अपडेट्स आए हैं कि ट्विन मोशन में अभी आने वाले जो कंसीडर्ड अपडेट्स हैं कि वो वीरे का मटेरियल सपोर्ट करेंगे और FBX का एनिमेशन सपोर्ट करेंगे। यानी क्या होगा कि आपको कोई भी एक से कर्टन एनिमेशन है, तो कर्टन एनिमेशन आपने अपने 3D Max में अगर कुछ एनिमेशन कर लिया, सो कर्टन का एनिमेशन आपने 3D Max में कर लिया, उसको आप FBX में एनिमेशन सेंड कर सकते हो ट्विन मोशन में, और वही एनिमेशन आप यूज़ कर सकते हो रेंडरिंग में। और आपको पता है ट्विन मोशन का रेंडरिंग स्पीड कितना है, तो उसको भी वो जल्दी रेंडर करके दे सकता है। सो आज के लिए इतना ही, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए बाय बाय, और एज एन ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।